Perfect. फ्रेंड्स वेलकम टू ट्रैवलिंग दादा एंड आज हम हैं चेन्नई टू देहरादून की ट्रिप की डे नंबर 2 पे एंड आज हम हैं आंध्र प्रदेश की बहुत खूबसूरत शहर में, इसका नाम है विशाखापट्टनम जिसको हम वाइजैग भी बोलते हैं। हम सुबह सुबह 5 बजे आए थे, जैसे आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा हमको रूम नहीं मिल रहा था बिकॉज जहाँ हमारा होटल था उसने हमको अर्ली चेक इन डिनाई कर दिया था। उसके बाद हमने एक दूसरा होटल फाइंड आउट किया, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा बट होटल वॉज गुड। इसके 2500 रुपये चार्ज किए, मैंने रूम का टूर लास्ट ब्लॉग में दिया था, अभी भी आपको दिखा देता हूँ रूम, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा रूम था। अब हम यहाँ से चेकआउट करके जा रहे हैं हमारा जो एक्चुअल होटल था वहाँ पे चेक इन करने के लिए। फटाफट वहाँ चेक इन करते हैं, सामान नीचे भिजवा दिया है। चेक इन करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं, आपको देते हैं वाइजैग सिटी का 1 डे कंप्लीट टूर। बड़ा खुला खुला सा लग रहा था यहाँ, तो ट्रैफिक ऐसा लग रहा था यहाँ पे आज किसी की रैली है, कोई पॉलिटिशियन है। मैं कल रात में होटल में चेक इन करता तो उसे होटल वाले ने बताया कि देयर सम पॉलिटिशियन हु इज कमिंग अप, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नाम नहीं पता था। जब उसने नाम बताया तो मुझे नहीं पता बिकॉज इधर की पार्टीज पॉलिटिशियंस थोड़े नॉर्थ इंडिया में कम फेमस हैं, तो इसलिए इस वजह से उसने कहा था, बताया था मुझे होटल वाले ने कि थोड़ा सा ट्रैफिक जाम भी लग सकता है, सो वी नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। होटल में गाड़ी पार्क करेंगे फिर लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा एटलीस्ट आसपास के एरिया के लिए। फिर जब टूर जाना है तो फिर उसके बाद हम अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं। एक तो गाड़ी भी हमारी बड़ी है, पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है, तो रात को ये भी हमारे लिए एक चैलेंज था कि जब हम होटल खोज रहे थे होटल्स नहीं मिले, तो कई जगह होटल्स मिले बट पार्किंग नहीं, तो ये भी एक चैलेंज था बिकॉज गाड़ी को सेफ जगह पर रखना बहुत जरूरी है। और अब हम जिसमें जा रहे हैं वहाँ भी पार्किंग है एटलीस्ट। So now we are about to reach to our hotel and बिल्कुल ही बीच के पास में इतनी सस्ती प्रॉपर्टी, मैंने 2200 रुपये में बुक किया था रूम, तो मुझे पता नहीं कैसे, मैं जाके देखना पड़ेगा बट ट्रिबो ट्रेंड क्या है, हो सकता मतलब रिव्यूज वगैरह अच्छे थे वो देख के मैंने किया था, सो लेट चेक इट आउट वो कैसे होता है। बट इतने पास में बीच के इतनी अच्छी प्रॉपर्टी, लाइक एक अच्छी डील समझ सकता हूँ मैं। ये देखिए हम लोग बीच पे आ गए हैं, सो वी आर जस्ट एट आरके बीच जो यहाँ का बहुत ज्यादा फेमस बीच है विशाखापट्टनम का। एक शिप भी आपको दिख रही होगी दूर में, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे शिप्स बोट्स वगैरह ऐसी चलती रहती है विशाखापट्टनम। एक छोटा सा पोर्ट भी है और जो एक इंडियन सबमरीन है गाजी अटैक वाली, उसका एक म्यूजियम है यहाँ पे, हम वहां भी आपको आज लेके चलेंगे। वाइजैग के बीच थोड़े से डिफरेंट है बाकी साउदर्न पार्ट से बिकॉज थोड़े हैपनिंग है एंड साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपको गोवा वाला फील देते हैं, पार्टी लाइफ देते हैं, नाइट लाइफ अच्छी है। सो वाइजैग में थोड़ा सा हैपनिंग सिटी है वाइजैग, सो इसलिए ऑलवेज गुड टू कम टू वाइजैग। अगर साउथ में आप फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल प्लान कर रहे हैं या फिर फैमिली के साथ भी कर रहे हैं अगर, सो वाइजैग शुड बी द फर्स्ट ऑप्शन। अगर आप थोड़ा सा लेजर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, टेम्पल्स वगैरह ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं, तो वाइजैग आपका पहला ऑप्शन होना चाहिए मेरे ख्याल से, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और ये हम आ गए हैं हमारे होटल ट्रेन में। कल रात को भी यही आए थे, सो ये तो मैंने आपको दिखाया था, एक बार चेक इन कर लो तो मैं आपको रूम का टूर देता हूँ। उनकी पार्किंग है, पूरा लगेज इस रूम पे लाया है बिकॉज हमको थोड़ा सा लगेज का सिस्टिंग भी करना है। सो ये देखिए एक बड़ा बैग है जिसपे हमारे पास पूरा 8-10 दिन का मटेरियल है, एक छोटा बैग है, एक और ट्रॉली बैग है, एक तनु का बैग है जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है, मेरा भतीजा है, और लैपटॉप बैग, कुछ बैग्स और छोटे छोटे छोड़े हुए हैं। बट रूम सीम्स टू बी गुड, अच्छा है। दो हजार रूम अच्छा मिलेगा, बाथरूम भी नीट एंड प्रीमियम प्लस स्पेसियस भी है, गुड टू नो। चलो फ्रेंड्स फटाफट लगेज सेटल करते हैं और चलते हैं वाइजैग सिटी टूर पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू आरके बीच जो है बाजू में ही, हम वॉक करके जाएंगे एंड उसके बाद वी विल गो फॉर लंच,
that restaurant which I was talking about, and uske baad we will go to, there's a place jahan pe ek view point hai jahan pe I guess cable car se jana hota hai chadh ke aata, I'm not sure, wo jaake pata chalega. Fir hum submarine dekhenge. Aaj ke liye hum ye 3-4 itineraries hai jo complete karenge, then we'll move for the next day. अब ये टाइम में यार इतना जैम पैक जाम होता है, बेसिकली आपके बीच में पर इस रोड को पूरा बीच रोड हो जाता है, मल्टीपल बीचेस है इस रोड पे, साइड में आपको फूड जॉइंट्स मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, बीच पर नहीं तो इन मिलेगा. अभी थोड़ी सी गंदगी आई है यहाँ पे, मे भी हो सकता है लास्ट टाइम आया था यहाँ पर, नहीं भी हो सकता है कि अभी जो साइक्लोन वगैरह आया था उसकी वजह से हो, पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो वीडियो पे दिख रहा है ये कैलाशगिरी माउंटेन है बेसिकली, जो इस माउंटेन के ऊपर जो विशाखापट्टनम की जो गवर्नमेंट जो उसमें मेट्रो वो क्या बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी थी, उन्होंने बेसिकली 360 एकर्स में सिटी के हिल टॉप में एक पार्क बनाया हुआ है जिसपे रोपवे भी है, आप रोपवे से जा सकते हैं पार्क पे, यू कैन स्पेंड सम गुड टाइम्स, कपल्स के लिए इट्स अ वेरी गुड प्लेस, थोड़ा हैपनिंग सा है, और इतना ऊंचा सिटी के ऊपर जाके थोड़ा क्लाइमेट डिफरेंस भी आ जाता है. ये वो प्लेस है सामने आपको दिख रहा होगा जहाँ से रोपवे स्टार्ट होता है, ये रोपवे ऊपर जा रहा है, अगर हमको समय मिलेगा तो आज हम ऊपर जाएंगे, आपको ऊपर से भी उसका कैलाशगिरी का पूरा व्यू दिखाएंगे, बट हमने पहली प्रायोरिटी पे अभी सबमरीन को रखा है, बट अगर देखते हैं डिस्टेंस सबमरीन का कम होता है इसका पहले होता है तो हम पहले यहाँ चले जाएंगे. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से ब्यूटीफुल प्लेस आफ्टर दैट आरके बीच, जहाँ पे लोग आते हैं यहाँ पे अंदर पार्क के अंदर फूड जोन वगैरह भी बने हुए हैं प्रॉपर. कांट इमेजिन दैट 360 एकर्स का पार्क, वो भी सिटी के अंदर, वो भी सिटी के हिल टॉप पे जहाँ से आपको पूरा शहर दिखता हो. सो मुझे भी देखना है, बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड हूँ मैं भी देखने के लिए. और बीच साइड है ये भी, हम अभी भी बीच साइड ही चल रहे हैं, बाजू में पूरा बीच ही है, सारे बीचेस कंटिन्यू होते जा रहे हैं. जिस रेस्टोरेंट पे हम जा रहे हैं खाने के लिए, रजुला ढाबा है जो गीतम यूनिवर्सिटी के अपोजिट साइड है, ये बीच साइड ही है. सो मोस्ट ऑफ दी हैपनिंग प्लेसेस इन विशाखापट्टनम जो है वो सारी बीच साइड है, और अगर आप कहीं स्टे कर रहे हैं यहाँ पे तो बीच साइड ही स्टे करें तो वो ज्यादा रिकमेंडेड होगा, बिकॉज सिटी में ट्रैफिक भी थोड़ा होता है, इधर ट्रैफिक इवनिंग के टाइम में होता है टूरिस्ट वाला, बट दिन में अभी जैसे कोई ट्रैफिक नहीं है, अभी नॉर्मल है पूरा, और थोड़ा सराउंडेड बाय हिल्स है तो टेम्परेचर का भी डिफरेंस है. गर्मियों के टाइम में भी आप यहाँ पे अगर आना चाहें तो प्लान कर सकते हैं, दिन में थोड़ा ह्यूमिड होगा बट रात में थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, तो इवनिंग टाइम में यू कैन हैव सम गुड टाइम. बाकी अब जल्दी से ढाबे पहुंचते हैं. यार वहां पार्क कर रहा हूँ गाड़ी, है ना, क्या बोलता है
हम अब पहुंच गए हैं फाइनली राजूगढ़ी ढाबा पे, रजूला ढाबा जिसको बोलते हैं। बट यहाँ पे आपको ऐसा कोई बोर्ड नहीं मिलेगा, आपको जो बोर्ड मिलेगा वो सी इन नॉनवेज रेस्टोरेंट का मिलेगा बेसिकली। बट ढाबा जो राजूगढ़ी ढाबा ये है बेसिकली, थोड़ा हट टाइप से बना हुआ है और बाहर आपको रास्ते भी है, नो पार्किंग जोन में आगे और पीछे जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हुई मिलेंगी, ये सारे के सारे लोग इसी ढाबे पे खाने के लिए आए। सो यू कैन जस्ट सी कि कितना क्रेज है इसका। अभी हम अंदर गए थे, हमको बोला कि आप वेट कीजिए, जब आपका नंबर आएगा तो आपको बुलाएंगे। अंदर हम शायद शूट ना कर पाए बिकॉज भीड़ बहुत ज़्यादा है, रश बहुत ज़्यादा है। बट यू मस्ट ट्राई दिस प्लेस वेन एवर यू आर इन वाइजैक। एक बार मैं ट्राई करता हूँ, अगर आपको बाहर से दिखा पाता हूँ कुछ इस तरह से है ये। सो वी आर डन विद द लंच, और पहले हमको 10 मिनट बाहर वेट कराया, उसके बाद अंदर खाना आने 20 मिनट 30 मिनट लगाया। सो 1 घंटे 15 मिनट लगे पूरा लंच करने में यहाँ पे। तो अगर आप कभी भी यहाँ लंच करने के लिए आए तो टाइम लेके आए, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा यहाँ पे आपको। और हमारे पास अभी टाइम कम है, ऑलरेडी 3:15 बज चुका है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कैलाशगिरी माउंटेन बिकॉज वो रोप वे बंद हो जाता है। तो उसके बाद सबमरीन के पास जाएंगे, देखते हैं अगर वो खुला होगा तो फिर सबमरीन देखेंगे। सो पहले हम कैलाशगिरी माउंटेन जा रहे हैं, सो चलिए चल के रोपवे का मजा लेते हैं कैलाशगिरी माउंटेन में एक साथ। और सेम रोड से वापस जा रहे हैं, आपको दिखाता हूँ रोड्स। अभी वही बीच साइड वाली सेम रोड्स हैं, चारों एक साइड बीच है एक साइड हिल्स है। मतलब इस टाइप की ब्यूटी मैंने इससे पहले कहीं देखी है। तो लास्ट ईयर मैं देयर इज अ कंट्री इन यूरोप अल्बेनिया वहाँ गया हुआ था, वहाँ भी मैंने ऐसी ब्यूटी देखी थी। बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, वहाँ पे स्नोफॉल भी होता है, वहाँ आपको स्नोफॉल और सी बीच एक साथ देखने को मिल जाता है। तब मैं ये ब्लॉग्स वगैरह बनाना स्टार्ट नहीं किया था। तो उसके बाद इंडिया में ऐसी ब्यूटी देखना रियली काइंड ऑफ मिरेकल है। सो व्हेनेवर यू आर इन वाइजैक, कोई जरूरी नहीं कि आप किसी साइट सीन के लिए जाएं, कहीं जाएं, आप कहीं भी किसी बीच साइड चले जाएं या हिल पे ऊपर जाके बैठ जाएं, यू कैन स्पेंड योर टाइम। सो रिलैक्स करने के लिए मुझे तो आइडियल सिटी लग रही है। अब आप लोग बताएं आपके आपके हिसाब से क्या है। आपको वापस से दिखा देता हूँ जो बोर्ड था, आई लव वाइजैक। सो बेसिकली ये वो पॉइंट है जहाँ पे लोग आके फोटोशूट वगैरह कराते हैं, बैठते हैं। पीछे इधर सी बीच है, थोड़ा सा दीवार बना दी है सेफ्टी पर्पज से, इसलिए यहाँ से दिख नहीं रहा है। इस पॉइंट को बोलते हैं YSR व्यू पॉइंट। सो अगर आपको गूगल करना हो इस पॉइंट को तो आप YSR व्यू पॉइंट करके गूगल कर सकते हैं इसको। अमेजिंग व्यू इज देयर, थोड़ा मिड ऑफ द हिल्स में है, ना ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है। बीच पे यहाँ पे आप नहीं जा पाएंगे, ये सिर्फ व्यू पॉइंट है, यहाँ पे आप फोटोज वगैरह ले सकते हैं। फोटोशूट के लिए गुड प्लेस है, आपको मेमोरीज कलेक्ट करनी है तो उसके लिए बहुत अच्छी प्लेस हो जाएगी आपकी। एंड गुड थिंग इज दैट के सारी चीज़ें एक ही रोड पे हैं, जो बीच रोड की मैं बात कर रहा हूँ इस बीच रोड पे ही सारी चीज़ें हैं। इस 15-20 किलोमीटर में ही आपको हर चीज़ मिल जाएगी, आपको इस पे ही हिल टॉप भी मिल जाएगा, इस पे ही आपको व्यू पॉइंट मिल जाएगा, इसमें ही आपको आरके बीच मिल जाएगा, इसमें ही आपको अच्छे अच्छे कैफेज मिल जाएंगे, इसमें ही आपको क्लब्स मिल जाएंगे पार्टीज के लिए शाम को। सो ये एक रोड है, अगर आपको आपने इसी को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया तो ये समझिए आपका विशाखापट्टनम ट्रैवल जो है वो एक बार के लिए 70% तो हो गया। ऑफकोर्स 30% जो बचता है वो अरकू वैली बचता है जो हम जाएंगे अभी। सो वो भी मैं आपको अलग से एक ब्लॉग में बना के दिखाऊंगा, पूरा अरकू वैली का हम एक अलग से शूट करेंगे। सुनने में आया कि उसकी विशाखापट्टनम से अरकू वैली की जो रोड्स है वो बहुत प्यारी है। सो लेट्स सी ड्राइव करने में कितना मज़ा आता है। वैसे प्यारी रोड्स तो हमारे उत्तराखंड में भी होती हैं और उनमें ज़्यादा मज़ा आता है मुझे, बट देखते हैं यहाँ की हिल्स की रोड कैसी है। हाउ मच सर? 70 रुपीज़ सर। ये सीधा ऊपर जाएगा ना, रुपए का जरूरत नहीं है ना, रुपए अलग है आना जाना करा, 150 आना जाना। तो रुपए से अगर आप जाते हैं तो रुपए से आना जाना जो है 150 रुपीज है एक बंदे का।
और अगर आप कार से जा रहे हैं ऊपर तो 70 रुपीज कार की टिकट है एंट्री की। अब देखते हैं कार कहाँ तक लेके जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि हम बीच में फंस जाए और हमको भी ट्रैक करके ऊपर जाना पड़े। इंडिया में देखने को जब आप जयपुर अगर कभी जाते हैं तो जयपुर में एक फोर्ट है नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ फोर्ट के लिए जो चढ़ाई है वो सेम इसी टाइप की है, थोड़े थोड़े जंगल है, सिमिलर टाइप की रोड वाली फीलिंग आ रही है मेरे को। और वहाँ भी एक पड़ाव करके रेस्टोरेंट है जो ऊपर टॉप पे है, जहाँ पे आप शाम को जाते हैं, शाम को 5 बजे ओपन होता है वो। आप 5 बजे जाते तो वहाँ से पूरे जयपुर सिटी का व्यू दिखता है। मैं जयपुर में रहा हूँ 8 साल तो मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। वो नीचे से ऊपर जा रहा है, हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, बट रोपवे का भी अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। बट हमारे साथ एक्चुअली कई बार हो चुका है, कई बार रोपवे से बैठ चुके हैं, सो उतना हैपनिंग नहीं लगता है। बस गो एंड कम वाली बात, तो अपनी गाड़ी से जाना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। प्लस रोपवे के साथ ये भी, आप पार्किंग पे गाड़ी पार्क करोगे, फिर टिकट लोगे, फिर वेट करोगे, तो वेस्टेज ऑफ टाइम। हमको टाइम भी सेव करना था यहाँ पे, तो इसलिए हमने ये मेथड लिया है। और ये कार पार्किंग आ गई है, ये एंट्री है, किसी स्कूल के बच्चों का टूर भी आया हुआ है। सो लेट्स पार्क द कार। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों के लिए टॉय ट्रेन्स लगी हुई है, पार्क है बेसिकली। तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो बच्चों के साथ घूमने के लिए बहुत अच्छा स्पेस मिल जाएगा आपको। एंड सेकेंड थिंग, एक और चीज़ बताइए दोस्तों, यहाँ पे बाहर लिखा हुआ था कि ट्राइपॉड्स फ्लाइंग कैमराज आर नॉट अलाउड, बट उस बंदे ने हमको कहा कि कार से जाने के लिए चुपके से मतलब 100 रुपये लिए और बोला आप चले जाओ। तो मतलब इंडिया में करप्शन हर जगह हर पॉइंट पर देखने को मिलेगा आपको, थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा। लेट्स गो, चलते हैं व्यू पॉइंट पे। गुड थिंग इज दैट कि ऐसे ऐसे यहाँ पे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स बने हुए, जैसे एक ये है, ऐसे उस साइड भी एक व्यू पॉइंट है वहाँ पे कॉर्नर में। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे सिटी के चारों तरफ व्यू लेने के लिए पॉइंट बना, एक पॉइंट वो भी है व्यू पॉइंट है जो 360 acres मैंने बोला था, वो ऐसे यूटिलाइज हुआ है। एंड इधर अगर आप देख पाएँ तो ये जो स्टैच्यू है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं जाके आपको वहाँ से भी दिखाऊंगा। सो दिस इज अ फोटोजेनिक पॉइंट जहाँ पे आप शिवा स्टैच्यू के साथ फोटोज खिंचवा सकते हैं। मैं तो जरूर अपनी खिंचवाऊंगा, और जब आप आएंगे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी अपनी फोटोज वहाँ पे शूट कराएं। चूंकि बात कर रहे थे, दिस इज द स्टैच्यू, बेसिकली यू कैन हैव अ लुक, ऑफ कोर्स मैनमेड है। तो डिसेंट प्लेस, जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं सब यहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं, और मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम टूरिस्ट यहाँ पे छत्तीसगढ़ से आया हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का बॉर्डर यहाँ से पास पड़ता है। सामने वाले एंगल को तो बड़ा टाइम लगेगा फोटो खींचने में, हम एक काम करते हैं साइड एंगल से फोटो ले लेते हैं। हाँ जी, तो हमारा अब ये कैलाशगिरी माउंटेन का हिल टॉप का टूर कंप्लीट हो गया है, और आपको मैंने वो पॉइंट्स भी बता दिए हैं जहाँ जहाँ आपको जाना है आप जा सकते हैं। आप 1 से 1.5 घंटा आराम से यहाँ स्पेंड कर सकते हैं, और अगर पूरा का पूरा पार्क आपको घूमना है तो आपको कम से कम 3 घंटे चाहिए, बिकॉज पार्क बहुत ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ से अब हम जा रहे हैं सबमरीन की तरफ, जो सबमरीन म्यूजियम है उसकी तरफ जा रहे हैं। हमको यहाँ से 15 मिनट लगेंगे जाने में, 6.4 किलोमीटर दिखा रहा है। सो जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं तब तक मैं आपको थोड़ा सबमरीन के बारे में स्पेसिफिकेशन दे देता हूँ। सो नेम ऑफ दैट सबमरीन इज INS कुरसुरा। सो इट इज़ KURSURA, कुरसुरा बोलते हैं इसको यहाँ पे।
और ये बना था 18 दिसंबर 1969 में और रिटायर हुआ 27 फरवरी 2001 में। सो 31 ईयर इसने इंडियन नेवी को अपनी सर्विस दी है और ये वही सबमरीन है जो इंडो पाकिस्तान जो वॉर हुआ था 1971 में उस समय भी यूज़ हुआ था। सो थोड़ा सा रिमार्केबल भी है इसलिए इसको यहाँ पे म्यूजियम में रखा गया है। सो एक बार पहुँचते हैं वहाँ पहुँच के देखते हैं, आई गेस मेरे ख्याल से थोड़ा मोड़ा इसका रिलेशन जो है वो जो एक मूवी आई थी द गाजी अटैक उससे भी होना चाहिए, बट वो तो वहाँ पहुँचेंगे तो उसके बाद समझ में आएगा। सो लेट्स बी देयर इन नेक्स्ट 13 मिनट्स। हो रही है पहली बार जिंदगी में जा रहा हूँ सबमरीन देखने, वो भी असली वाली इंडियन नेवी की। ये देखो ये वो सबमरीन है बेसिकली भाई, पता नहीं अंदर से जाके आपको दिखाने का मौका मिलेगा या नहीं, कैमरा अलाउड है या नहीं, बिकॉज म्यूजियम की प्रॉपर्टी हो सकता है कैमरा अलाउड ना, तो आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये वो एक्चुअल पीस है, वो सेम पीस सबमरीन जो 1971 वर्ल्ड वॉर में यूज हुई थी, इंडो पाकिस्तान वॉर में यूज हुई। तो यहाँ पे नॉट ओनली ये सबमरीन म्यूजियम, इसके साथ साथ एक एयरक्राफ्ट म्यूजियम भी एकदम अपोजिट साइड में, इसके बाद उधर भी चलेंगे आपको वो भी दिखाएंगे, बट पहले आप ये सबमरीन देखिए पूरी अच्छे से। बेसिकली सबमरीन के पीछे थ्योरी ये होती है भाई लोग, आपको ब्लॉक्स दिख रहे होंगे वहाँ नीचे, जब सबमरीन को ऊपर आना होता है तो उससे पानी छोड़ा जाता है, और जब सबमरीन को नीचे नीचे भेजना होता है तो पानी उससे शक किया जाता है, जैसे पानी शक हो गया अंदर सक्शन होता है तो उसके बाद सबमरीन का वेट जो है बढ़ जाता है और अपने आप वो सी के नीचे चली जाती है, और जब उसको ऊपर आना होता है धीरे धीरे वहां से पानी निकाला जाता है जिससे कि वो सी लेवल के ऊपर आ जाती है। सो बेसिकली इस थ्योरी पे सबमरीन काम करती हैं, और जो सारा स्टाफ होता है वो इसके अंदर होता है, बट कैमरा हर तरफ लगे होते हैं, उनको हर तरफ की विजिबिलिटी प्रॉपर होती है। सो लेट्स गो एंड सी दिस सबमरीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। सबमरीन के बारे में बताया था, बेसिकली इसको 18 दिसंबर 1969 को बनाया लॉन्च किया गया था, और इसका जो डिकम्पोजिशन जो इसको डिमोलिश किया गया और 27 फरवरी 2001 में किया गया। इसका जो टोटल वेट ऑन सरफेस है वो 1945 टन है। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसमें जानने लायक, एक तो ये कि ये 280 मीटर्स तक की डेप्थ में जा सकती है, मतलब 280 मीटर्स डेप्थ समुद्र के अंदर जा सकती है। सेकेंड थिंग जो इसकी फ्यूल कैपेसिटी है वो है यहाँ पे मैं देखा था 439 टन की है, बाकी सारी स्पेसिफिकेशंस मैं ब्लॉग में अच्छे से डाल दूंगा आप लोग देख लीजिएगा, ये सारी इसकी स्पेसिफिकेशंस है। और उधर साइड में मैं आपको और दिखाता हूँ, एक टॉर्पेडो भी है। आपने अगर गाजी अटैक देखी होगी तो गाजी अटैक मूवी में जो टॉर्पेडोज लॉन्च किए जाते हैं अगली सबमरीन जो सामने से आ रही है उसको फिनिश करने के लिए, तो वो टॉर्पेडोज भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो अभी ये स्कूल के बच्चों की लाइन लगी हुई है, तो जैसे ये लाइन खत्म होती है उसके बाद हम एंटर करेंगे। तो मीनवाइज वो आपको टॉर्पेडो देख सकते हो साइड में लगा हुआ है, सो दैट टॉर्पेडो इज वन ऑफ दी टॉर्पेडो ऑफ दिस सबमरीन ओनली जिसको इससे डिसमेंटल करके निकाल के रखा गया। ऑलरेडी ओवर सर, कैमरा हाँ ओके, तो चलते चलते लेते रहिए, रास्ता मत ब्लॉक कीजिए, आपके सर चलते चलते लेते रहिए, वीडियो बना रहे हैं तो 200 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा, ले लिया वही तो है, चलते रहिए रुके मत, प्लीज कीप ऑन मूविंग, ठीक है ओके।
भाई साहब सबमरीन के अंदर घुसते ही ना तगड़े वाले घूस बमारे अभी तक रोंगटे खड़े हैं, एकदम पूरी इंडियन नेवी वाली फीलिंग आ रही है। आई मस्ट सजेस्ट हर एक इंडियन को ऐसी प्लेसेस पे जाना चाहिए, हमको एटलीस्ट पता तो चले कि हमारे नेवी के, आर्मी के, एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो कितना स्ट्रगल करते हैं अपनी फैमिली से दूर रह के, इतने दिन तक बाहर रहते हैं। इट वॉज रियली ऑसम, मस्ट विजिट प्लेस। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द एयरक्राफ्ट इफ इट इज ओपन, सो लेट्स गो एंड लेट्स चेक इट आउट। Well, finally we reached to the TU-142 aircraft museum of Visakhapatnam, jo hamara submarine wala jo museum tha uske just opposite side mein hai, and really again the same type of goosebumps aa rahe hain, see the fighter planes, the navy ko dekh ke tha, navy in 312 iska naam hai, the another plane with this, there are two fighter planes over here, and we don't have words to explain to this, so just have to look to these planes। और यहाँ पे एटलीस्ट फ्रीडम है कि आप आराम से उसके क्लोज आ सकते हैं, यहाँ पे जाके फोटोज ले सकते हैं, तो ये थोड़ा सा फ्रीडम है। यहाँ पे आपको कोई अच्छी फोटोज वगैरह चाहिए तो वो भी यहाँ पे निकल जाएंगी, आपको बस वीडियो के लिए आपको चार्ज पे करना है और आप कैमरा लेकर अपना आ सकते हैं। जी साहब, जिंदगी में पहली बार ये फाइटर प्लेन के अंदर घुसा है, इंडियन नेवी का ये IN-312 फाइटर प्लेन है, बाहर से आपको थोड़ी देर पहले दिख रहा था। लेट्स गो इनसाइड। सो फाइनली वी आर अबाउट टू एंड दिस डे, एंड अभी हम आए हैं यहाँ पे एक रेस्टो बार फाइन डाइन है विंटेज करके, यू कैन सी दी दिस नेम प्लेट, एंड अभी हम अंदर जा रहे हैं। और मैंने आपको जैसे बताया था कि मेरे जो दो फ्रेंड आए थे वो दो फ्रेंड मुझसे मिल गए हैं अभी, सो दे बोथ आर फ्रॉम YJ ओनली एंड दे आर विथ मी, सो बोलता हूँ उनको आप लोग को हाई करने को। तो बेसिकली मैं थोड़ा बैक स्टोरी बता देता हूँ, ये दोनों दोस्त हैं मेरे, ये IIM विशाखापट्टनम के हैं, सो आई डिड माई एजुकेशन फ्रॉम देयर, सो दे वर माई कलीग, सो बेसिकली दे आर फ्रॉम YJ ओनली एंड दे वर्क हियर फॉर सम, वन इज इनटू पार्लर, वन इज इनटू सम प्रोसेस इंजीनियरिंग फर्म, सो ही इज अरविंद, ही इज पवन, they are not able to see you, you need to come this way. Okay guys, so we'll just catch up tomorrow and we'll share the itinerary for tomorrow. Bye bye.